एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। सन 1960 के दशक तक भारत में पारंपरिक पद्धति से खेती की जाती थी, जिससे देश में खाद्यान्न आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती थी तथा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न को आयात करना पड़ता था। भारत सरकार कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के अथक प्रयासों से सन 1966-67 में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति से देश में मुख्य फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का, बाजरा आदि के उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देश खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी करने लगा। परंतु हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से मृदा उर्वरता में कमी के साथ साथ पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। साथ ही मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि फास्फोरस, पोटाश, द्वितीयक पोषक तत्व एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की मृदा में व्यापक कमी होने लगी। यही नहीं, जैविक खादों के कम उपयोग एवं कृषकों द्वारा फसल अवशेषों के जलाने से मृदा में जैविक पदार्थों की भी कमी हुई है। आने वाले समय में खराब मृदा स्वास्थ्य के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा कर पाना कठिन होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के द्वारा किए गए अनुसंधान में पाया गया है कि सतत खाद्यान्न उत्पादन के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा अधिक व टिकाऊ पैदावार प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमें आवश्यक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों तथा जैव उर्वरकों का भी समावेश करना होगा। पौधों के अच्छे विकास के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। मृदा में किस पोषक तत्व की कितनी उपलब्धता है और किस फसल को कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, ये मृदा परीक्षण के आधार पर तय करना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एवं बोरोन आदि का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे न सिर्फ फसलों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी होगी बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। संतुलित पोषक उर्वरक प्रबंधन 5R सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए, जैसे कि सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय, सही स्थान और सही संयोजन। 5R सिद्धांत के अनुरूप उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करने से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त होता है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य भी बना रहता है। वर्तमान में फसल उत्पादन बढ़ाने एवं उर्वरक दक्षता के लिए नैनो उर्वरकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। नैनो उर्वरक अति सूक्ष्म होने के कारण पौधों में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और उर्वरक संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग हो पाता है। देश में हुए दीर्घकालीन उर्वरक प्रयोग परियोजना के अंतर्गत किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि मृदा स्वास्थ्य एवं सतत उत्पादन के लिए संतुलित खाद प्रबंधन श्रेष्ठतम उपाय है। किसान भाइयों, सतत फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमेशा मृदा की जांच के आधार पर ही उर्वरकों, जैविक खादों, फसल अवशेषों तथा जैव उर्वरकों का समुचित प्रबंधन तथा संतुलित मात्रा में उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं एवं दलहनी फसलों का समावेश अवश्य करें, जैविक खादों एवं विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल अवश्य करें, स्वस्थ समाज एवं आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाकर मृदा स्वास्थ्य संरक्षित कर
एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। जय किसान, जय विज्ञान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। सन 1960 के दशक तक भारत में पारंपरिक पद्धति से खेती की जाती थी, जिससे देश में खाद्यान्न आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती थी तथा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न को आयात करना पड़ता था। भारत सरकार कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के अथक प्रयासों से सन 1966-67 में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति से देश में मुख्य फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का, बाजरा आदि के उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देश खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी करने लगा। परंतु हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से मृदा उर्वरता में कमी के साथ साथ पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। साथ ही मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि फास्फोरस, पोटाश, द्वितीयक पोषक तत्व एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की मृदा में व्यापक कमी होने लगी। यही नहीं, जैविक खादों के कम उपयोग एवं कृषकों द्वारा फसल अवशेषों के जलाने से मृदा में जैविक पदार्थों की भी कमी हुई है। आने वाले समय में खराब मृदा स्वास्थ्य के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा कर पाना कठिन होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के द्वारा किए गए अनुसंधान में पाया गया है कि सतत खाद्यान्न उत्पादन के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा अधिक व टिकाऊ पैदावार प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमें आवश्यक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों तथा जैव उर्वरकों का भी समावेश करना होगा। पौधों के अच्छे विकास के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। मृदा में किस पोषक तत्व की कितनी उपलब्धता है और किस फसल को कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, ये मृदा परीक्षण के आधार पर तय करना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एवं बोरोन आदि का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे न सिर्फ फसलों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी होगी बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। संतुलित पोषक उर्वरक प्रबंधन 5R सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए, जैसे कि सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय, सही स्थान और सही संयोजन। 5R सिद्धांत के अनुरूप उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करने से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त होता है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य भी बना रहता है। वर्तमान में फसल उत्पादन बढ़ाने एवं उर्वरक दक्षता के लिए नैनो उर्वरकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। नैनो उर्वरक अति सूक्ष्म होने के कारण पौधों में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और उर्वरक संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग हो पाता है। देश में हुए दीर्घ संतुलित खाद प्रबंधन भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आधी से ज्यादा आबादी आजीविका के लिए
अनुसंधान संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर KH सिंह साहब, मेरे सहयोगी डॉक्टर पूनम कुशलन, हमारे संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मृदा विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर A. रमेश, सभागार में उपस्थित संस्थान के सभी वैज्ञानिक तकनीकी कर्मी, प्रशासन, वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, जूम ऐप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हमारे सभी दर्शकगण, जिसमें कि किसान लोग भी शामिल हैं जो कि सोयाबीन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, सभी का इस आज के आयोजन में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिषद गीत से आज के कार्यक्रम की वाह, क्या शुरुआत बात, करते हैं। क्या बात। ये लेक्चर लेक्चर आंसर जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन, वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण, शस्य श्यामला छवि भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। धन्यवाद। आज हम पूरे देश भर में, बल्कि पूरे विश्व में, आज का दिन विश्व मृदा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग चूंकि खेती से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हैं, कृषि में मृदा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मृदा है तो जीवन है, और ये एक मृदा को स्वस्थ रखना, ये हम सभी का परम दायित्व है। और आज का जो दिन है, विश्व मृदा दिवस, इसकी भूमिका भी ऐसे रही है कि वर्ष 2013 में विश्व खाद्य संगठन है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं, जी उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था, और ये कहा गया था कि सॉइल हेल्थ डे, विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाए पूरे दुनिया भर में। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की 68वीं असेंबली में इसको पारित किया गया था। और वर्ष 2014 से हम लोग पूरे दुनिया भर में, देश भर में, आज का दिन 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस आज के आयोजन में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और स्वागत कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर KH सिंह साहब से, कि आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रीमती डॉक्टर जनक पंटा मगीलीगंज जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत। वैसा देना भी पहले थैंक ये यू सर। लाइक और इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो जो दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, दो ये बात स्मृति चिन्ह हाँ, बांधते हैं, खरीद जो भी प्लान आपका। जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें दो वीडियो परिषद की ओर से हमें प्राप्त हुए हैं, वो भी हम यहाँ पे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे संस्थान के निदेशक महोदय को कि स्वागत भाषण और इस कार्यक्रम के बारे में हमें
जानकारी दे, मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर सिंह साहब डॉक्टर जनक प्रताप मगिलन जी, जो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हूँ तथा मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी तथा अन्य सभी वैज्ञानिक अधिकारी एवं कर्मचारी, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस मृदा दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए एक ऐसी शख्सियत विराजमान, इनके अभी संक्षिप्त मेरा इनके साथ वार्तालाप हुआ है और मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि उनका संपूर्ण जीवन एक विशेष प्रकार के आदर्शों और नैतिकता के लिए समर्पित रहा है। मैं ये समझ सका हूँ कि उन्होंने उन सभी परिस्थितियों लाइट के बाद ये वाला लाइट बंद करवा दीजिए, वो वहां पे बटन है वो उससे हम उन्होंने पर्यावरण को इतना महत्व दिया है कि जैसे ही हमने उनको एक बुके प्रस्तुत करने का पहला काम दिया तो सबसे पहला उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि इसमें प्लास्टिक नहीं, ये वो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो एक परिवार की तरह महसूस करता है वही आकर के एकदम से इस तरीके से प्रेरणा दे सकता है। आज जो दिवस हम मनाने जा रहे हैं इसके बारे में संक्षेप में डॉक्टर दोपारी जी ने बताया किस तरीके से आज का दिन मृदा दिवस के रूप में, आप सब जानते भी होंगे कि यूएनओ ने इसको 5 दिसंबर को क्यों चुना, क्योंकि थाईलैंड के जो राजा आप कहे श्री भूमि बोल जी, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया था तो उनके जन्मदिन को ही आज के मृदा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जहां तक बात है मृदा के स्वास्थ्य की और मृदा दिवस मनाने की आज के दिन की उपयोगिता की, जैसा आप सब जानते हैं पर्यावरण और मृदा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पर्यायवाची शब्द, पर्यावरण अच्छा है, जल अच्छा है, वायु अच्छी है और मृदा अच्छी तो जीवन में खुशहाली की गारंटी। अगर आप देखें हमारा जो पूरा देश है, हमारा भौगोलिक क्षेत्र पर भारतवर्ष का लगभग 328.75 मिलियन हेक्टेयर और विश्व में हम 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से आते, परंतु सौभाग्य की बात यह है कि जो कृषि योग्य भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, उसमें हम और जो बड़े देश हैं क्षेत्रफल में उनसे अधिक स्थान रखते हैं और हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है यद्यपि वो केवल लगभग 46% ही है टोटल एरिया की, लेकिन फिर भी हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 150% के आसपास है और आज हम कृषि के क्षेत्र में किसी भी फसल का आप नाम ले लीजिए उसके उत्पादन में पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर आ, जो प्रगति हुई है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने योगदान दिया है उसको मैं इसी तरीके से उद्धृत करना चाहूंगा कि 1947 में जब हम केवल 30 से 35 करोड़ की आबादी रखते थे तब हमारे पास इतना अन्न का उत्पादन नहीं था कि हम उनके लिए भी पेट भर सकें, परंतु आज जब हम लगभग 140 करोड़ हैं तो कहीं भी आपको अकाल या भुखमरी या इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये योगदान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पिछले 75 वर्षों में निभाया है, केवल कृषि के ही क्षेत्र में नहीं, आप दुग्ध उत्पादन की बात कर लीजिए, आप पशुपालन के किसी भी क्षेत्र में बात कीजिए, फिशरीज में, लगभग हर क्षेत्र में
बहुत उन्नति हुई है, लेकिन इस उन्नति के साथ साथ जो बदला वो आप जानते हैं, और आज हम इस बात को भली भांति जानते हैं। आज आप देखिए 150 वर्ष पहले जब पहली बार कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जब यूरिया नाम का प्रोडक्ट बना, तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन वो आएगा जब हम पीछे मुड़ करके ये सोचेंगे कि रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव भी हो सकते। लगभग 150 वर्ष लगे हमको इस बात को समझने में कि इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग यदि हमने बैलेंस फॉर्म में नहीं किया तो मृदा की उर्वरकता को कितनी हानि हो सकती है। जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, अगर आप उसमें जाएं तो पौधे को अपनी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, सनशाइन चाहिए। माइक्रोब्स जो भूमि में पहले से ही विद्यमान है, उनके अंदर ये क्षमता है कि जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं पौधे के लिए उनका संश्लेषण वहीं से वो कर, शुद्ध वायु चाहिए, यहाँ से अब पौधे को अपना कार्बन डाइऑक्साइड और के रूप में सब मिल जाता है, और अच्छा जल चाहिए। यदि ये तीन फैक्टर भी पूरे हो जाएं तो प्राकृतिक चक्र की जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रह सकती। परंतु कुछ तो विज्ञान का चमत्कार भी था और उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि जो टेक्नोलॉजी हमने दी, हम ये कल्पना भी नहीं कर सके कि आने वाले समय में इन पेस्टिसाइड्स का, फंगिसाइड्स का और रासायनिक उर्वरकों का, या जो हम वीडिसाइड डालते हैं, इनके इतने दुष्प्रभाव होंगे कि आज नेचुरल फॉर्म में जो जल प्राप्त होता है वो पीने योग्य नहीं। अपने बचपन की ही घटनाओं को हम जब स्मरण करते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पर हम उतरते थे तो अपनी बोतल में पानी भर, कभी ये नहीं सोचते थे कि इससे हमें कोई स्वास्थ्य के लिए हानि हो। परंतु आप में से कितने लोग आज विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उस पानी को पीने की आपकी हिम्मत पड़ती है? आज हर कोई एक बोतल लेकर के चलने का आदि हो गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि हमने रसायनों का प्रयोग भूमि में इतना अधिक किया कि धीरे धीरे न केवल जल प्रदूषित हुआ, हवा प्रदूषित हुई, और अब आप देख रहे हैं कि भूमि की भी क्या हाल है, इसकी उर्वरकता में निरंतर कमी होती जा रही है। कभी आपने या हमने ये कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वायु की भी समस्या थी, और आज आप दिल्ली को देखिए, पंजाब को देखिए, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, केवल धान की पराली को जलाना या जो इतना ट्रैफिक बढ़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, इनके कारण वायु इस तरीके की हो गई है कि दिल्ली में आज रहने की योग्य वायु नहीं, और बहुत सारे मेगा सिटीज की भी यही स्थिति है। परंतु ये साक्षात अनुभव आप यदि इन दिनों में दिल्ली जाएं तो आपकी आंखों में जलन, ये सौभाग्य की बात है कि केंद्रीय भारत के जो हम जिस स्थान पर हैं, यहाँ अभी पर्यावरण काफी कुछ संरक्षित है, हमें उन जो वहां हो रहा है उसे सीख लेने की आवश्यकता है कि जो गलतियां वहां हुई वो यहाँ न दोहराई जाए, और वो प्रयास हम करें जिनसे कि पर्यावरण की रक्षा कर सकें, और ऐसी भूमि, ऐसी मिट्टी और ऐसा प्लेनेट हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए देके जाएं जो ये ना कहे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। आज के शुभ अवसर पर आज की जो मुख्य वक्ता हैं, हमारी आज की अतिथि हैं, इनसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं हो सकता था, और यह मैं एक बार मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि आपका आगमन हुआ, और आने वाले समय में निरंतर हम इस इंटरेक्शन को बढ़ाते भी रहेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और उनके जो अनुभव रहे हैं उनका लाभ मैं मिले। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय, आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में यह संस्थान
आगे में भी कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, और एक हमारे पर्यावरण को बचाए रखना हमारी सभी की जिम्मेदारी है, और हमारी जो अधिवक्ता है वो उनको जान के ये बहुत खुशी होगी कि हमारे संस्थान में सर के आने के बाद में नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी कुछ नए प्रयोग यहाँ पे अनुसंधान परियोजना शुरू हुई है, जो जैविक खेती उसके बारे में बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ पे हुआ है और हो रहा है और आगे भी करते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि प्रारंभ में हमने बताया था कि दो फिल्में हैं जो परिषद से आई है, 5-5 मिनट की फिल्में छोटी सी कोई पर्यावरण के बात ऊपर, वो हम देखते हैं जी। नहीं, तो एक संतुलित के ऊपर जो उर्वरक है उसके ऊपर एक परिषद से मिल पाई वो चला चाहिए। अरे वो रिमोट था, रिमोट था बंद कैसे आई हूँ। लाइट भी कम हो सकती, हाँ सर बंद जरूरी तो नहीं ये तो आपको वो भी क्या जरूरी है आपके ऑर्डर के सर, लिए। हो गया वो ट्रंक में पड़ रही है, हो गया ना हाँ चला तो सही कम हो गया। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी आधी से ज्यादा आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। सन 1960 के दशक तक भारत में पारंपरिक पद्धति से खेती की जाती थी, जिससे देश में खाद्यान्न आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती थी तथा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न को आयात करना पड़ता था। भारत सरकार कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के अथक प्रयासों से सन 1966-67 में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति से देश में मुख्य फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का, बाजरा आदि के उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देश खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी करने लगा। परंतु हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से मृदा उर्वरता में कमी के साथ साथ पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। साथ ही मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि फास्फोरस, पोटाश, द्वितीयक पोषक तत्व एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की मृदा में व्यापक कमी होने लगी। यही नहीं, जैविक खादों के कम उपयोग एवं कृषकों द्वारा फसल अवशेषों के जलाने से मृदा में जैविक पदार्थों की भी कमी हुई है। आने वाले समय में खराब मृदा स्वास्थ्य के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा कर पाना कठिन होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के द्वारा किए गए अनुसंधान में पाया गया है कि सतत खाद्यान्न उत्पादन के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा अधिक व टिकाऊ पैदावार प्राप्त की जा सकती है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हमें आवश्यक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों तथा जैव उर्वरकों का भी समावेश करना होगा। पौधों के अच्छे विकास के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। मृदा में किस पोषक तत्व की कितनी उपलब्धता है और किस फसल को कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, ये मृदा परीक्षण के आधार पर तय करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर एवं बोरोन आदि का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे न सिर्फ फसलों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी होगी बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। संतुलित पोषक उर्वरक प्रबंधन 5R सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए, जैसे कि सही स्रोत, सही मात्रा, सही समय, सही स्थान और सही संयोजन। 5R सिद्धांत के अनुरूप उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करने से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त होता है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य भी बना रहता है।
वर्तमान में फसल उत्पादन बढ़ाने एवं उर्वरक दक्षता के लिए नैनो उर्वरकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। नैनो उर्वरक अति सूक्ष्म होने के कारण पौधों में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और उर्वरक संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग हो पाता है। देश में हुए दीर्घकालीन उर्वरक प्रयोग परियोजना के अंतर्गत किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि मृदा स्वास्थ्य एवं सतत उत्पादन के लिए संतुलित खाद प्रबंधन श्रेष्ठतम उपाय है। किसान भाइयों, सतत फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमेशा मृदा की जांच के आधार पर ही उर्वरकों, जैविक खादों, फसल अवशेषों तथा जैव उर्वरकों का समुचित प्रबंधन तथा संतुलित मात्रा में उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं एवं दलहनी फसलों का समावेश अवश्य करें, जैविक खादों एवं विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल अवश्य करें। स्वस्थ समाज एवं आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाकर मृदा स्वास्थ्य संरक्षित कर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। जय किसान, जय विज्ञान। The unscientific and inappropriate management of crop residues, practice of crop residue burning not only caused adverse effect on environment but also on human and soil health. On the other hand, declining organic carbon in majority of Indian soils is emerging as a threat to sustainable food grain production. To provide the scientific solution of these problems, the Indian Institute of Soil Science, Bhopal, under Natural Resource Management Division of ICAR, has developed several technologies to convert these available crop residues into valuable organic fertilizers, which may supplement 5.68 million metric tons of nitrogen, phosphorus, and potassium for crop production. Vermicomposting is method of converting organic wastes, crop residue, cattle dung, etc. into organic fertilizer using earthworm. The earthworm species such as Eisenia foetida, Eudryllus eugenia and Peryonyx excavatus are suitable for vermicomposting. To prepare vermicompost in a pit of size 10 by 4 by 3 feet, length, breadth and height, constructed above the ground in a shaded place, farm waste and cattle dung is mixed in equal proportion and left for 15 to 20 days for partial decomposition and temperature stabilization. Earthworms are introduced at 800 to 1000 adult worms per pit. Adequate water is sprinkled over pit and covered with jute bag. This technique converts the agro wastes into vermicompost within 100 days. Application of vermicompost augments soil microbial activities and improves soil health. For small farmers having one or two cattle, ready-made Sipolin vermibed will be more economical. In another technology for preparing composts from crop residues and cattle dung, these two are mixed in equal proportion and urea at 1 kg per quintal is added. The pit is covered with polythene sheet to maintain moisture and allow the decomposition to proceed. The composting material is turned 2 to 3 times during the composting period at interval of 15 days. Using this technique, the compost gets ready within 110 to 120 days. To decrease the length of composting period, efficient microbial cultures can be added so that more quantity of crop residue can be recycled within shorter time. To further improve the quality of the compost, rock phosphate at 5 kg per quintal during composting or agriculturally important beneficial microbes or microbial biocontrol agents can be added at the end of composting.
The application of compost in field improves soil health and nutrient use efficiency of the applied fertilizers, besides improving biodiversity of the soil. With the research efforts of the scientists, a new composting technique called Rapo composting has been developed for composting of vegetable wastes from urban mandis. Here, a consortium of microbes capable of degrading lignocellulosic materials at higher temperature is added in a Rapo composter. In recent years, due to crop intensification, crop residue burning has emerged as a big problem in the country. To combat this problem, the institute has developed in situ decomposition technique for rice wheat residue. Here, the decomposer culture is sprayed over the residue. 30 kg of urea and 4 tons of cattle dung is spread in the field and entire material is incorporated using a rotavator. The field is irrigated immediately and left for decomposition for 30 days. During this period, the residue will be converted to organic fertilizer in field itself. For the convenience of the farmers, the institute has also formulated these microbial preparations in gelatin capsules. Farmers can easily activate these cultures at their farm and apply in the field. Using this in situ decomposition technique, the organic carbon and soil fertility gets improved. To improve the problems related to soil health and crop husbandry, the Institutes of Natural Resources Management Division of ICAR strives to connect to each and every farmer to uplift their economic status and build empowered nation. और वर्तमान परिदृश्य इसके बारे में हमने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान द्वारा निर्मित फिल्म के माध्यम से देखा। स्थिति यही है, शुरुआत हमें अपने जगह से करनी है, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। और इसी को देखते हुए आज का जो प्रस्तुतिकरण है, सबसे पहले हमारे संस्थान की जो मृदा वैज्ञानिक है डॉक्टर ए रमेश साहब, निदेशक महोदय के निर्देशानुसार ये हम देखेंगे कि हमारे यहाँ की जो मृदा है उसकी क्या स्थिति है। तो उसके बारे में एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर रमेश साहब यहाँ पे करने वाले हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एट आईएसआर इंदौर। रिस्पेक्टेड वन एंड ऑल, I will be speaking on the soil nutrient profile at this use. Before I start, I want to give you the visionary of former US presidents who have long back has indicated the importance of soil and its quality on nutrient on plant uptake or quality. I will read the nation that destroys the soil destroys this the workings of Franklin Roosevelt. Then while the farmer holds the title to the land, actually it belongs to all people because civilization itself. This means that their mission is that to sustain the soil quality for a longer for the future generations. Next, a short preamble I'll give on what the status is. Then I will go to the nutrient profile of this institute. Next. Actually, in almost around the globe, intensification of with a aim to increase the crop productivity, there was an indiscriminate use of pesticides, insecticides, pesticide, whatever may be, conventional tillage, deep tillage, wherein we are spoiling this your soil structure, you are reducing the soil organic carbon content, then dispensing with micronutrients. We are not adding any micronutrients, which are very, very essential, and we are not applying organic manures, as organic manure availability is very less. That has deteriorated the soil quality of water.
in most of the areas. Therefore, this is the case with Central India also, wherein soil, they are very productive soils, but because of soil degradations and biological degradation, the nutrient levels are very low. Then, therefore, we are working in a low organic carbon content, that is around 0.5, 0.6%. But actually, in other countries, it's above 1%. But the state of this state is within this form, we are a bit low. I am very sorry to tell, 0.5 to 0.6 here. But when you go to the farmer's field around Indore district, we attain an organic carbon content of 0.75 to 0.9%. That is, therefore, the microbial activity or the when the rule goes up, the rhizodeposition increases. When the rhizodeposition increases, your organic acids, proton exclusions, your carbohydrate production that are essential for microbial proliferation, proliferate, and microbes are solubilizers and mineralizers different nutrients. Like suppose phosphorus, phosphorus it solubilizes, it mineralizes phytate, zinc solubilization occurs through citrophore production for iron. And this institute, we are having around 30 strains which are deposited in as per the Budapest Treaty. We have deposited our strains to Pune and Mahu. And some strains are very, very important phytate mineralizer, phosphate solubilizers, zinc, and citrophore production. Another point of deep and this in Central India, which are mostly soybeans grown mostly in Madhya Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan. And they are belong to vertisols and associated soils, verticostoca. And these soils are high in clay content. We have around 56% montmorillonite, 30% illite, around 10 to 15% kaolinite. Once your clay content is increasing, your infiltration, your hydraulic, your drainage is not. Therefore, when actually in soybean growing areas, there is an extreme variation in rainfall and temperature. And we get rainfall events. We call it as a rainfall events, around 7 to 8 events. Once 7 to 8 events, your soil is not able to infiltrate the water and it is drained away. Runoff loss, soil loss is the pure fertility loss. Therefore, when the fertility is lost, there's a decrease in the fertility loss. Therefore, the productivity is skewed here. Therefore, we have to identify best agriculture management practices that improve resource use efficiency, maintains or improves soil quality of agriculture product, and sustained productive, which can help in agriculture development. There are many strategies that can be done. One is organic management. Minimum tillage, mainly it is in soybean growing, it is followed. That is two cultivators only, it's cross cultivation. Under wheat, they may go for conventional tillage. But as far as soybean concerned, as far as the farmers are concerned, minimum tillage is followed, reduced tillage is followed. The tillage is one aspect. Diversifying our cropping systems or crop rotation. This one, actually, when you diversify your crop rotation, it can increase a bit of your organic carbon content. Therefore, your root architecture, that is root horizontal as well as vertical spread will increase. Therefore, once vertical, the microbes can proliferate, and that is a very sustainable and it can improve soil quality. Once
In any crop, when this type of agriculture management when followed, it also increases the soil enzyme activities or microbial biomass carbon or your soil substrate in your system increases. Once it increases, your solubility nutrient mobilization increases. That is your sustainable way forward. Next. What was the current status of soybean based crops? They are predominantly, therefore, as previously told, there is a temporal variation, spatio-temporal variation in rainfall. Therefore, we get rainfall events of 7 to 8 events. Yeah. That is lost as runoff and soil loss. Your fertility is lost. Fertilizer erosion, generally for soybean, they are not using. And nowadays, though, because they are using, but previously, they are never used to use. Low level of mechanization. Currently, low and spill product. In recent years, much of the research has also been conducted on the role of microbial inoculant in improving the productivity, in the sustaining the soybean, like zinc solubilizer, sulfite inhibitor, phosphates. That is a way, that's also a, can be thought that as it is very cost effective. As compared to, as in India, we are faced with resource poor farmers. Therefore, to reduce their dependence on costly inorganic fertilizer, that can reduce their inorganic fertilizer and can use, and it is very cost effective. Next, potential we have. Therefore, there are strategies are, one is rainwater management. You have to see that proper drainage is there. How can we conserve the moisture, our rainfall, and these are the one. And integrated nutrient management can be followed. That's our improved cropping systems as previously told. So, next. Constraints is poor drainage, as I told, water logging, high runoff and soil erosion, low soil biotic interferences to crop growth, difficulty in establishment of moisture. Actually, why I'm telling that? Actually, once your rainwater is lost as runoff, the groundwater level decreases. Therefore, the subsequent crops like wheat, which requires 3 to 4 irrigators, at least 2 to 3 irrigations, that can be that is a problem that can be saved once you use proper rainwater management. The socio-economic depends upon the farmer's conditions. That's how it is. Next. Approaches is, one is conservation of rainwater through appropriate land configuration methods. Then is how we have to consider the farmer's perceptions also. We have to identify genotype of cropping system. Why? We have to identify genotypes. Why I am telling of genotypes? But the genotype, a variety, should have a root architecture which is high, with high root volume, high root surface area, which should have a horizontal as well vertical spread in the map, to an appreciable extent that can mobilize through various mechanisms. That's not. And integrated nutrient actually, and the integrated nutrient and water management should go in tandem, not not alone. Both should go in tandem. Next. In situ, rainwater management, actually, rainwater out of the 100% rainwater we receive, only 30% is used for crop production. 25% is lost as runoff. 45% soil evaporation, deep percolation. On soil, this leads to a soil loss of 2.2 to 6.1. This is the work done at ICRISAT. Not next. This is broad bed furrows, one method. Next. This is all broad bed furrow. Every 3, 4 to 5 lines, one furrow. That during the stress situation, the water in the furrows can help to horizontally percolate so that the moisture can be taken up to the plants. Next.
Ridge and furrow is another method. This is how two rows in a ridge and furrow. This is one method of how to conserve our moisture. Next, this is the reduced level, which farmers literally follow in this. That is, they go for only two cultivars, that is crisscross cultivation. Next, this is farmers' method, almost same. One is crop residue management. Improve, if you go for improved technology, you can 67% of it can be used for crop products. Your soil loss gets reduced. You only 14% is lost as runner, and 19%. We can if you go for improved technologies, this is the situation. Next. That is integrated matter combining inorganic and organic 50-50. So 50-50%. This is one method. Now I will come to the nutrient status of this form. In this form, we have, let me, next. In this institute, we have three types of soil series. One is Sarol series, which is maximum. We have Baloda series, and third one is Kamalia Kaidi series. Baloda and Sarol series are deep black wetty soils, which are high clay content, monoclinic clay. More than 56% to 58%. Then we have one more series, Kamalia Kaidi, that is shallow soil, sculpted soil at around, the depth is only 45 centimeter and is predominant in these areas. That Simrol, that Mohu, that area, that is very common, very shallow soil. And as I'm very sure, these soils are low in nitrogen, phosphorus, but high in potassium and available sulfur. This is a variations in different soil. Low in sulfur also. And these soils are almost tad higher than the critical limit of zinc. For the example, the critical limit of zinc is 0.5, but the range varies from 0.6 to 0.8 ppm, which is not enough for plant uptake. Therefore, we have to think of applying zinc sulfate or next, iron is also is below the critical limit of 4.5. We are having only 2 to 2.5 ppm. Manganese is sufficient. We are deficient in boron. Boron, we are deficient. 0.6 ppm is the critical limit. We work under 0.4 to 0.5 ppm. Therefore, boron is also deficient. Molybdenum, I have not carried out. Therefore, I don't want to comment on it. Boron, yes. Next. Some soil quality indicators. Wherever I see, I have gone through these different fields, wherever the organic carbon is higher, the microbial load is higher, the role of acid phosphatase, alkaline phosphatase, or iron sulfatase is higher. And wherever the low organic carbon is low, it is very, these parameters are low. Once your organic competitor, These are indicators of soil quantity in the terms of, suppose, acid and alkaline. Acid phosphatase is produced by both plant and microbial, and alkaline is only by microbial. Once these are present, when this present in higher, there is a solubilization of native people the same is the case of aryl sulfatase, which mineralizes organic sulfur to inorganic sulfur.
This is the status of different. One, the main crux of this soil quality indicator indicates that wherever the organic carbon content is higher, these parameters are higher. That's a name. Yeah, that's not them. That's a name. Next. This is the glomerin stock. Mm-hmm. It is produced by AM fungi. And these are also the same situations. Yeah. Next. These are. In conclusion, what we do, maintenance of organic by through appropriate agriculture management is the need of the hour to sustain the productivity of soybean production and quality, soil quality also, soybean production, and more importantly, the quality of the products. For example, if your produce is low in zinc or iron or calcium, magnesium, that leads to malnutrition. Since the phytic acid increases, or your zinc content decreases, or iron content decreases, or calcium, magnesium content decreases. Once the molar ratios of zinc, phytic acid to calcium, phytic acid to iron, or magnesium, the digestibility of the produce by human beings or animals is reduced. Therefore, we have to think of biofortification of zinc, iron, calcium. This one. Thank you. Thank you, Dr. Ramesh, for throwing the light on the soil parameters which are available at this institute as well as the indoor area. इनके जो व्याख्यान से हमें कुछ पता चला है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको इम्प्रूव करने की हमें बहुत ही निदान आवश्यकता है और उस दिशा में आने वाले समय में बहुत हमें ध्यान देना होगा। साथियों, अभी जो घड़ी आ गई है कि हम लोग हमारे जो मुख्य अतिथि होता है जो कि कीनोट एड्रेस हमें इस अवसर पे देंगे, डॉक्टर जनक वल्टा मगिलगन जी, जो एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज सेविका है, सोशल वर्कर है। वैसे मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल भी कर लीजिए, टाइम नहीं, अगर आप गूगल कर लेंगे तो कई सारे पेजेस उनके यहाँ पे आ जाएंगे। वो क्या है, शख्सियत क्या है, संक्षिप्त में उनके बारे में दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली पंजाब से संबंध रखती है, जन्म उनका वहां पे हुआ था और उनका जो कार्यक्षेत्र इंदौर रहा है और इंदौर में जो विजयनगर या भमोरी जो एरिया है वहां पे बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो चल रही है वहां पे लगभग 26 साल तक वो फाउंडर डायरेक्टर, मतलब शुरुआत उन्हीं से हुई थी और फाउंडर डायरेक्टर वहां पे रही है। और उसके साथ में जो जीवी मगिलगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी भी वो फाउंडर डायरेक्टर रही है। आपका जन्म है 1948 में जलंधर पंजाब में हुआ और उनका जो आलू के बीज वाला जलंधर। आपका जो कार्यक्षेत्र जो रहा है एम्पावरमेंट ऑफ रूरल एंड ट्राइबल वुमेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा और ऑर्गेनिक फार्मिंग। कई लोग आपको ये जानते कि इंदौर में जो जैविक सेतु है वो आपने शुरुआत करी थी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे ही कुछ अगर आप गूगल करोगे तो कई सारे वीडियो कई संस्थाओं ने बनाए हैं, उसमें उनका इंटरव्यू भी मैंने खुद पर्सनली देखा है। मैडम ने अपने जीवन की शुरुआत जैसे जो प्रोफेशनल लाइफ जो कहते हैं समाज सेवा की या सोशल वर्क की, हमारे इंदौर के पास में ही जो झाबुआ क्षेत्र है, अलीराजपुर क्षेत्र है, वहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। अलीराजपुर से झाबुआ के आसपास, झाबुआ से शुरू की, अलीराजपुर झाबुआ के अंदर था। जी जी, अभी तो नया डिस्ट्रिक्ट बना, पहले से झाबुआ।
और उन्होंने जो जो गर्ल चाइल्ड है वहां पे ट्राइबल जो लड़कियां है उनको शिक्षा देने का जो ये कार्यक्रम शुरू किया था, मैं उनके अनुभव सुन रहा था। तो ये शुरुआत में उन्होंने काफी परेशानियां झेली, जब लड़कियों को बारली डेवलपमेंट की शुरुआत होने के बाद में यहाँ पे लाना चाहते तो कोई भेजने के लिए तैयार नहीं था, कुछ अलग अलग परसेप्शन हुआ करते थे। लेकिन ऐसे और सिचुएशन में भी उन्होंने अपने जो प्रयास है समाज को जो पे बैक टू सोसाइटी हम जो कहते हैं और समाज को जागृत करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, तो वो उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। मुझे सौभाग्य मिला था लगभग 20 साल पहले यानी कि 2003 के दौरान बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मैं इनके यहाँ पे गया था। उस समय पे एक TMOP का प्रोग्राम चल रहा था और ये जापानीज वैज्ञानिक जो ओकुडा जी यहाँ पे आए थे और मैडम के जो बर्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में हमने एक सोयाबीन के टोको और दूसरे पदार्थ बनाने के जो डेमोन्स्ट्रेशन रखा था वहां पे मैंने देखा। उस जमाने में उस समय पे सोलर एनर्जी के ऊपर काफी बड़ा उनके यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था और उन्होंने जो इस क्षेत्र में जो कार्य जो किए हैं उसी का परिणाम ये है कि वर्ष 2015 के दौरान भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च जो सम्मान है पद्मश्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया है। हम सभी सरकार के कर्मचारी आपको बधाई देते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी जैसी एक बहुत ही एक विशेष शख्सियत हमारे साथ में आज के मृदा दिवस के कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में पाकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। जहां तक आपकी शिक्षा का सवाल है, आपने MA किया है, पॉलिटिकल साइंस में भी किया है, इंग्लिश लिटरेचर में भी किया है और एक और जान के आपको खुशी होगी कि मैडम जो है जो संगीत विशारद है सितार में, तो ये भी एक उनका एक पहलू शख्सियत का दर्शाता है, MP है। और शुरुआत में जो है प्रोविडेंट फंड और कई जो जैसे हाईकोर्ट वहां पे भी उन्होंने काम किया था। उनकी जो शादी है ब्रिटिश आयरिश मैन जिमी मगिलिगन जी के साथ में हुई थी और उनके साथ में ही उन्होंने ये जो दोनों सेंटर जिनकी की फाउंडर डायरेक्टर रही है उन्होंने शुरुआत करी थी। जैसे कि मैंने बताया कि उनको ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाता है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, रिसोर्स पर्सन रही है, निश्चित जो संस्था है उनके लिए काम करती है। यहाँ पे आने से पहले जो इंदौर का जो डेंटल कॉलेज है वहां पे एक बैठक में वो भाग ले रही थी। मैडम पुनः एक बार इस संस्थान की ओर से आपका निदेशक महोदय और सभी कर्मचारी की ओर से हम तालियां बजाकर आपका स्वागत आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन करें, हम आपसे सीखना चाहते हैं। जी जी तो सभी को नमस्ते और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आपने यहाँ याद किया क्योंकि ये मेरा प्रिय विषय है मिट्टी। हम लोग मेरा ये भी सौभाग्य है कि मैं इस इंस्टीट्यूट के काफी शुरुआत से मुझे जुड़ी तो हूँ, दोबारा जी के कारण यहाँ 5-6 साल पहले किसी और कार्यक्रम में भी आई थी, लेकिन यहाँ से जाते हुए निकलना, इस कैंपस को डेवलप होते हुए देखना, इधर से गई तो भी एक बार नजर उठती है, IIT की मैं कमेटी में हूँ, IIT थी यहाँ तो आना ही पड़ता है, तो जब भी निकलना एक बार नजर इधर उठती, वो रोड से जाऊं तो भी नजर उठती, तो बाहर से देखना और अंदर आके इसका सारा विकास देखना, देख के बहुत खुश हूँ। और निर्देशक डॉक्टर सिंह को, बारह जी को, पूनम मैडम सभी को, रमेश जी ने बहुत अच्छी बातें हमें आज यहाँ के प्रोफाइल के बारे में भी बताई। और कुल मिला के जो बात आज सॉइल डे है, ऐसा लगता है कि विश्व को ऑयल चाहिए, सॉइल नहीं, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए हमें। हमने मिट्टी को छोड़कर बाकी सबको महत्व दिया। हम मिट्टी मिट्टी को भूल गए।
हमने मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया, अपने जीवन की मिट्टी से निकटा दिया, उसकी उसका कोई हमारे जीवन में, हम लोग भारत वाले जो लोग हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी जो दुनिया में शायद नंबर वन है नारे लगाने में। हमने बचपन से एक नारा सीखा, विश्व का सब कथा हो जाती, सब हो जाता, पंडित जी बोलते, कथावाचक संत स्वामी बोलते, विश्व का हम बोलते थे कल्याण हो, समस्त प्राणियों के सद्भाव हो, बस खत्म। विश्व का कल्याण मतलब क्या, किसको करना है, कौन करेगा? दूसरा लाइन, समस्त प्राणियों से सद्भावना से रहना। तो मैं आपका, आपने मेरा परिचय दिया, मैं बहाई धर्म की फॉलोअर हूँ, अनुयायी हूँ पिछले बहुत सालों से, 81 से, और मेरे पति भी एक बहाई पायनियर थे, भारत में सेवा देने आए थे, और उन्होंने मेरे साथ जीवन बिताया यही नजदीक, आगे गणेश नगर के पीछे हमारा बहाई गुलिस्तान है जिसमें उनकी समाधि है, और वो यहीं की मिट्टी में समा गए, उन्होंने अपना जीवन यहाँ की मिट्टी को समर्पित किया। तो मेरे जीवन में ये जो ये प्रदेश है, ये यहाँ की मिट्टी ने मुझे बुलाया और मैं आई। मैं होम मिनिस्ट्री के एक रिसर्च सेंटर, सपोर्टिंग रिसर्च सेंटर की रिसर्च फेलो थी। मुझे जब मैंने थोड़ी दो चार बातें जीवन की इसके साथ जुड़ी हुई है कि ये सब क्यों हुआ, मैं चंडीगढ़ में बड़ी हुई, 15 साल की थी, स्कूल पास किया, तो अचानक पता चला कि मुझे एक ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी जो कि होती नहीं थी। तो लगभग 1 साल मुझे अस्पताल रखा गया, बहुत प्रयोग किए गए, लेकिन अल्टीमेटली किसी को एनेस्थीसिया देना नहीं आता था 14 घंटे के लिए। तो वो कोई हेल्थ मिनिस्टर के पास गए, उन्होंने कहा, कैनेडा से बुलवाए, मुझे एनेस्थीसिया दिया 14 घंटे का, और एनेस्थीसिस्ट को ट्रेनिंग दी उन्होंने, डॉक्टर भट्टाचार्य ने। उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने बोला, आंखें खोलो, देखो जनक, यू हैव मेड द हिस्ट्री, भारत का पहला ओपन हार्ट सर्जरी था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा आंखें खोलो, तो मैंने आंख खोलने से पहले ईश्वर से कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं इस जिंदगी को आपका धन्यवाद देने में लगाऊंगी। अभी आपसे जो बात कर रही हूं तब से लेके अभी तक, केवल मेरे जीवन का यही उद्देश्य है, ईश्वर का धन्यवाद देना। और भारत माता की जय बोलते हैं हम, दूसरा बोलते हैं धरती माता की जय, तीसरा बोलते हैं गौ माता की जय, बोलते हैं नर्मदा मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, शिप्रा मैया की जय। पूरे विश्व में भारत ही एक देश है जो माता मानी, जिसमें धरती को माता माना, नदियों को माता माना। तो ये सब, अगर ये सब हमने प्रदूषित किए हैं, तो मिट्टी का क्या हुआ? मिट्टी पे बलात्कार किया हमने, मिट्टी का शोषण किया हमने, मिट्टी को जहर से भर दिया। मैं पंजाब की हूं, मुझे जो झाबुआ की आपने बात की, 1985 की बात है, जब मैंने काम शुरू किया, मैं कलेक्टर को मिलने गई, तो उन्होंने बोला कि पहले आप हमारी मदद करो, यहाँ नारू गिनी बम बहुत है 302 गांव में, उसके लिए लोगों को जागृत करो कि लोग पानी हैंडपंप का पिए, जो भी उसके साथ लंबी स्टोरी है, वो देख सकते हैं आप गूगल पे या यूट्यूब पे। पर मैंने 302 गांव में 302 रात रहकर उन दिनों में 85 में, शायद आप में से कोई भी उस उम्र का नहीं है जो बिना फोन के, बिना कार के, बिना इंटरनेट के, बिना गूगल के, बिना टॉयलेट के, बिना बाथरूम के, जिसने जाके गांव में जीवन बिताया हो चंडीगढ़ से आके, तो वहां पर रह के मैंने 2-3 चीजें समझी उनके साथ।
उन्होंने नारो हटा दिया, उन्होंने सीख लिया नारो हटा दिया। मैंने केवल भीली में लोकल लोगों को नेहरू युवा केंद्र को जोड़कर नाटक करवाया, एक रात रह के उनके साथ। वहां देखा आदिवासी महिलाएं सब लकड़ी में खाना बना रही हैं, धुएं में खाना बना रही हैं, और सारा टाइम 3 बजे से उठती है, घंटी चलाती है, रात तक आदमी आता है, दारू पिया हुआ है, जो भी करेगा। तो उसको देखकर उनके साथ रहने के बाद मुझे पता कि समस्या है क्या है, मैं जिस क्षेत्र में काम करने आई हूँ वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके सोल्यूशन पे काम शुरू किया। तो पहली बात उस टाइम पर आके कि लड़कियों को सिखाना है, उन लड़कियों को जो स्कूल ले गई, घरों में बैठी हैं, जो लकड़ी लेने जाती हैं, इसलिए उनके उनको स्कूल नहीं भेजा जाता, लड़कों को भेजते। तो उसके कारण जब वहां लड़कियों को आना शुरू हुआ और उन्होंने कि नारू खत्म हुए, मुझे बुलाया गया पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 यूएन का, यूएनईपी का ग्लोबल 500 रोल ऑफ लेने के लिए। 14 दिन मैंने वहां रहकर ब्राजील में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द सुना पहली बार जीवन में, पहली बार। और उसकी डेफिनेशन थी कि नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग ऐसा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहे विदाउट कंप्रोमाइजिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मैं तो हिल गई, पहली बार जीवन में पता चला, 48 में पैदा होकर 1992 तक तो पता ही नहीं थी ये बात, ये शब्द पढ़ा नहीं था, क्योंकि भारत में इसका उसका कोई शब्द बनाया नहीं गया था। वहां से आने के बाद मैंने संकल्प लेके आई कि मैं जाके देखती हूँ इंदौर में हमारे यहाँ क्या हालत। वही भंगोरी में 10x10 के एक क्या कहते हैं उसको, सर्वेंट रूम, प्लाई वाला 10x10 का कमरा, टॉयलेट बस कुछ नहीं था, जमीन थी, मैकेनिक नगर में, ठीक मैकेनिक नगर में, और मैं जवान थी को, पर मैं डरती नहीं थी, डर नहीं लगता था। 3 साल में बिल्कुल अकेले रह के वो इंस्टीट्यूट थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया, और साथ में गाँव में जाना और उनके साथ लड़कियां भी आना शुरू कुछ साल बाद धीरे धीरे हो गया। आके इंदौर के अभी ये तो नहीं है कि व्हाट्सएप कर दिया भैया अपने इंदौर में क्या हाल है, अभी पता चल जाएगा गूगल पे पोल्यूशन लेवल क्या है, पानी की क्या पोजीशन है, पागल जैसा पूछती इंजीनियरिंग कॉलेज से और वाला जी थे वेस्ट मैनेजमेंट का, सॉलिड वेस्ट, पानी की क्या स्थिति है, लोगों को पूछती थी नर्मदा कभी आती है कभी नहीं आती, पोल्यूशन लेवल बहुत हाई था। फिर गांव का देखा तो ये सब, ये सोयाबीन मेरे सामने आई है, मध्य प्रदेश में मालवा में तोपा इंस्टीट्यूट मेरी आंखों के सामने बना है। तो सोयाबीन, मैंने तो पंजाब चंडीगढ़ छोड़ के आके कभी सोयाबीन शब्द भी नहीं सुना था अपने जीवन में। आने के बाद जब ये बातें पता चली तो मुझे लगा कि रामदेवी गंगा वैली हो गई, फिल्म बन चुकी थी, कैंसर ट्रेन चल चुकी थी। तो जब हमारे पास आज वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को मैं क्या दूंगी, पीढ़ियों का क्या होगा, पीढ़ियों को कैसे देंगे। इस प्रश्न के साथ मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया, रीडिफाइन किया। वो दो लाइनें विश्व का कल्याण करना होगा, मैं करूंगी बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। दूसरा भाग, समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना होगा, मैं रहूंगी। इस ये परिभाषा है मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो विश्व का कल्याण अगर मिट्टी नहीं है, और आज हमने कोरोना देख लिया, अब हम रोज देख रहे हैं कि ये अभी सुरंग में क्या हुआ, अभी ये पेड़ आपकी ये सड़क बनने में कितने पेड़ कटे,
हम तो जड़ से काट रहे हैं, मिट्टी में से जड़ उखाड़ रहे हैं। मिट्टी में केमिकल, प्लास्टिक, फ्लक्स बैलेंस, हर चीज मिट्टी में डाल रहे हैं। जो पानी में जा रही है वो कहाँ जा रही है? ये माइक्रोप्लास्ट बोतल की आपने बात की सर ने, बोतल पे भरोसा है आपे? मैं आपको बाद में और अपनी बात बताऊंगी, लेकिन यहाँ ये जो शब्द है समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना और विश्व का कल्याण करना, मैं मेरे हिस्से का करूं, मेरे जीवन में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ किसी के लिए। लोग ऐसा मेरी बहुत परिचय देते हैं, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया जीवन में। मैंने जो कुछ किया है मैंने अपने जीवन के लिए परमात्मा का धन्यवाद देने के लिए किया कि मुझे उसने इंसान बनाया, मुझे एक औरत का जन्म दिया और मेरे अंदर एक प्रकृति के प्रति प्रेम दिया मुझे। वो जो जीवन है वो जब तक हमारी मिट्टी तो आत्मा है, परमात्मा के बाद इस दुनिया में सारी सृष्टि कहाँ रह रही है? धरती पे धरती ना हो तो हम कैसे रहेंगे? धरती है, मिट्टी है, तो मिट्टी से आपने सबने वैज्ञानिक है, आपके सामने कोई बात करने की जरूरत नहीं। पर ये विज्ञान वाला भाग खाली नहीं चलेगा जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होती कि मिट्टी जितनी करनी थी करती। हमें तो रोज के रोज लगे हैं, हमारे बीज हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिए, हमारे अपने बीज खत्म कर दिए, बीज नाश कर दिया हमने इस देश का। अभी मैंने एक बिल का विरोध किया था, पिटीशन डाली थी ग्रीन पार्लियामेंट्री कमेटी को, बायोडाइवर्सिटी बिल, ऑब्जेक्शन लिया हमने कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड हटा के रिसोर्स बना रहे हैं ताकि दुनिया में जहां चाहे बेच सके और दुनिया हमारा सब कुछ खरीद सके। हमारे बीज खत्म कर दिए, हमारी अन्न खत्म कर दिए, हमारा सब कुछ, मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है ये हमारा जीवन तो कचरा दान है, बॉडी है, चलो डाल रहे इसको, ऊपर से इंजेक्शन लग रहा है, डायबिटिक हो रहा है, किडनी फेल हो रही, 7 साल के बच्चे का हार्ट अटैक हो रहा है, कोई परवाह नहीं। गाड़ी चलना चाहिए, तेल ज्यादा होना चाहिए, सॉइल नहीं, ऑयल पहले, प्रदूषण की बात करते रहो, जो मर्जी करते रहो, तो बीज नहीं और हमारी हवा इतनी प्रदूषित कर दी। और इसके साथ मिट्टी को जिंदा बनाने के लिए चाहिए थे, ये तस्वीरें दिखाते हैं AICR, ये वो सब, मेरा इनके साथ किसी के साथ कोई श्रद्धा नहीं है मेरे इनके साथ। बैलगाड़ी खत्म कराई आपने, बैलगाड़ी खत्म, बच्चा बछड़ा होता है, बछड़ा आपने पार आर पार कर देते हैं। मैं गांव में रह रही हूँ 13 साल से शताब्दी में, बछड़े खत्म, मैंने एक बछड़ी पाली, आपको दो एक भाग उन्होंने बताया था कि मैं भमोरी में थी, मैं और मेरे पति ने तय किया कि संस्था समय रहते छोड़ देना चाहिए लोगों को तैयार करके ताकि वो चलती रहे। जैसे यहाँ पर कुटी मैनन जी थे, लोग थे बेचारे, गए तो कस्तूरबा ग्राम भी खत्म हो गया, तो वो हमने छोड़ा, गांव में जगह लिया आधा एकड़ पे घर बनाया, जहाँ दिन में ये लाइट वाइट कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आधा एकड़ में मेरे हस्बैंड खुद ही अपने हाथ से बनाया था उन्होंने, वो ईश्वर ने मुझे कोई ऐसा वरदान दिया कि ऐसे पति पत्नी, जो मैं कहती हूँ मैं वो सीता नहीं हूँ जो राम के साथ वनवास गई थी, मैं वो जनक हूँ जिसके जिन्हें ब्रिटेन छोड़ के जनक के साथ पूरा जीवन वनवासियों के साथ गुजारा। सिर्फ एक जीवन का उद्देश्य पता था दोनों को कि हमें समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना, तो मैं आधा एकड़ जमीन पर सनातिया गांव में मेरे हस्बैंड ने घर बनाया 10 महीने में अपने हाथ से। एक लड़की मेरी स्टूडेंट पुरानी अलीराजपुर की 98 बैच की, उसने कहा आप रिटायर होंगे तो मैं आपके साथ नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी, मैं संस्था में काम नहीं करूंगी। जीजा जी दीदी बोलते हैं बच्चे, वो साथ में आ गई।
उनकी उनका मेरा एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई 2011 में चले गए, लेकिन एक पथरी की टेकरी के ऊपर घर सनाबदिया में, फिर वो लड़की उसका हस्बैंड मिलकर हम लोगों ने उस जगह को आधा एकड़ को, तीन बातें हैं वहां की। पहली बात तो ये है कि हम लोग जीरो वेस्ट है, कचरा दान नहीं है। 39 ईयर में वेस्ट बिन डस्टबिन ये सब कुछ नहीं मेरे जीवन में। दूसरी बात यह है कि हम अपना उगा के खाते हैं। आधा एकड़ में चार वो लोग हैं बच्चों समेत, गाय बछड़ी पाली मैंने आके, 13वां साल है। मैं आपको इसके ऊपर एक अपनी अपनी मूर्खता भी सुनाते हैं। मैं चंडीगढ़ में थी जब यहाँ आने की बात हो रही थी, उससे पहले जब भी कोई बात होती थी मैं कहती कि चंडीगढ़ दुनिया का स्वर्ग है, सबसे इट्स हेवन ऑन अर्थ। क्यों? गाइड हो नहीं है। इतनी मूर्ख 40 साल के बाद समझ आया मेरे को, जब मैंने बछड़ी पाली, बछड़ी ने मुझे पाला, तो पता चला कि गाय के बिना मैं स्वर्ग कहती थी उसको, गाय ढोर के बिना। अब मिट्टी कैसे बचेगी, गाय को भी हम क्या क्या खिला रहे हैं। गाय के पेट से 35 किलो प्लास्टिक निकली सर्जरी करने के बाद, मिट्टी का क्या होगा। गाय नहीं बची, बछड़ा आपने पार कर दिया, तो मैंने संकल्प लिया मेरी गाय के जो बछड़े होंगे मैं उनको बड़ा करके बैलगाड़ी के काबिल बना के उन लोगों को दूंगी, गिफ्ट भेजूंगी आदिवासियों को, उस एरिया के जहाँ के वो बच्चे थे जिनको बैलगाड़ी चला रहे हैं अभी भी, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं अभी रास्ते में। तो मेरी बच्ची बड़ी हुई गाय, उसके 6 बछड़े, 3 बैलगाड़ियां आप चला रहे हैं उन गाँव में। उसके बाद उसके 2 और लड़कियां हुई, चेलियां हुई और उनके बच्चे, अब वो भी 2 परिवार जिनको चाहिए वहां थोड़ी दिए। और अपने जीवन में अब बूढ़ी माँ जो गौरी है वो मेरी मेरा मेरे जीवन का आधार है। मेरे खाने में बाजार से एक नमक टेंडा नमक वो ढेले वाला खरीद के करके, दूसरी चीज आती है ऑर्गेनिक किसानों से गुड़, और सियागंज से आती है पत्ती चाय की। मेहमान आते हैं घर में और ये, लेकिन उसके अलावा मेरे घर में खाने के लिए सब कुछ है। एक भी बीज जेनेटिकल विदेशी बाजार का बीज नहीं है मेरे यहाँ। मैं खाती हूँ सोना मोती गेहूँ, अपनी देसी मक्का। आज लाल मक्के की सुबह रोटी एक खा के नाश्ता करके निकली घर से, और मेरे यहाँ सोलर कुकर्स हैं, सोलर किचन है। आपने सोलर एनर्जी की बात की, इसकी यहाँ थोड़ा एक शब्द आपको बता देना चाहती हूँ, शायद इस पर कोई बात नहीं करता। सोलर एनर्जी जब लोग शब्द सुनते हैं उनके दिमाग में बड़े बड़े पैनल आते हैं, वो फोटोवोल्टिक एनर्जी है, वो प्योर सिलिकॉन है। उस पैनल का डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और उसका डेट ऑफ एक्सपायरी है। उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी पे वो बॉम्ब है, एक्सप्लोड है। मिट्टी इनके होने से मिट्टी मर रही है हमारी। लेकिन जो सोलर थर्मल एनर्जी है, डायरेक्ट कुकिंग विद द सन, वो प्योर कार्बन है। और सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी है हमारे बायोगैस, गोबर गैस, ये इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और अभी इसके साथ किसी को प्रेम नहीं है। आपने बोला, आंकड़े दे दिए कि कितने परसेंट भारत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। रोज तो टीवी पे दिखाते हैं कितने करोड़ रुपया किसान मर रहे हैं उनके अकाउंट में डाला, खेती से कितने कॉलोनियां कितनी कट गई, सारे हिंदुस्तान। मेरा गांव 13वें साल में मेरा गांव बीघा में और एकड़ में था, अभी स्क्वायर फीट में बिक गया पूरा गांव। 73 लड़के मेरे गांव के जिम पे जाते हैं, खेत पे नहीं जाते, अपने हाथ से काम नहीं कर रहे। मिट्टी कौन बचाएगा, स्थिति कौन बताएगा। पर मुझे ये लगता है कि हम सबको सोने से पहले
आज मैंने मिट्टी का क्या किया है, ये जो फोन है तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, सत्यानाश फोन की गलती नहीं है, हम लोग अपने आप में बिक चुके हैं, हमारी आत्मा खत्म हो चुकी है, हमारी अपनी सोच नहीं है। मैं बोलती हूँ फोन ने मुझे खरीदा है कि मैंने फोन को खरीदा है, मैं स्मार्ट हूँ, मैं फोन बंद रखती हूँ, जब मुझे किसी से बात करनी है फोन चालू करती हूँ मैं, नो व्हाट्सएप, बोला जीमेल पे भेजना बस, ये ऐसा ऐसा पूरा टाइम, पूरा टाइम हमें सोचने का टाइम, व्हाट्सएप में से निकलो, मिट्टी की मिट्टी बचाने का सोचो, फोन में से मिट्टी नहीं बचेगी, स्मार्टफोन मिट्टी नहीं बचा पाएगा, ये कार भी नहीं बचा पाएगी, बाइक भी नहीं बचा पाएगा, ये ड्रोन भी नहीं बचा पाएंगे, ये जो मिट्टी की बात, अब तो वो जमाना जब हम लोग उठ के सबसे पहले जमीन को हाथ खाट से उठ के लगाते थे, अब तो रात को भी जब नींद खुली सो, सूरज चढ़ता नहीं देखा, सूरज डूबता नहीं देखा, मिट्टी कौन बचाएगा। तो मैं तो ये कह रही हूँ विज्ञान बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक नहीं है, हमारे मन में अगर ईश्वर का प्रेम नहीं है, प्रकृति का प्रेम नहीं है, मैंने आपको बताया तीन बातें मेरे जीवन में, एक तो बिना बिना बहुत सारी चीजों से मुक्त होना, मैंने बताया सर को मैं 39 ईयर है मैंने कपड़े नहीं खरीदे, मैं कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, मेरे घर में फ्रिज बंद है उपकरण रखे हुए हैं, सारे उपकरण है, 1 किलोवाट बरसात में 2 किलोवाट सोलर विंड पावर मिला के मेरे हस्बैंड एक पावर स्टेशन बना के गए, जो 50 आदिवासी परिवारों जिनके पास बिजली नहीं थी मेरे पड़ोस में, 13 साल से उनकी स्ट्रीट लाइट चलती है, उनमें उसी में मैं गुजारा करती हूँ, सरकार की बिजली भी नहीं चलती, सरकार का इंटरनेट भी नहीं चलता, 6 किलोमीटर मेन रोड से सरकार का पानी भी नहीं है, मैंने 200 फुट के होल में लगाया, परमात्मा को कहा मैं धरती माँ में छेद नहीं करूंगी, और मैंने नहीं किया, मेरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग 600 फुट लेने वाले पड़ोस में, मैं 200 पे 250 के अंदर ही अभी भी पानी ले रहे हैं, उसी से खा रहे हैं, उसी से जी रहे हैं, और पानी सोलर कुकर पर उबाल के फिटकरी घुमा के टेस्ट करवा लिया सर, मिट्टी मेरी सोना है, वो मेरे देश की धरती उगले सोना मोती, उगल रहे हैं का सोना मोती, कैंसर उगल रहे हैं, अब हमारे देश की धरती कैंसर उगलती है, वो किडनी खत्म करती है, वो घुटने बदलती है, हमारे रिश्ते अभी तो हमें बड़े बड़े शादियों की पार्टी करके 6000 किलो कचरा फूड का और सब चीजों का एक शादी के समारोह में से निकलता है, कल रात को 172 शादियां थी इंदौर में, हमारे राजनैतिक सारे कार्यक्रम डिस्पोजेबल, कहां जा रहे हैं? ये हमें डिस्पोजेबल देख लिया कोरोना में होते हुए, डिस्पोज हो गए लोग, तो मिट्टी नहीं बचाई तो हम नहीं बचेंगे, मिट्टी जितनी बची है बस उसको बचा लो, मिट्टी आप नई नहीं बना पाओगे, कोई कोई तरीका नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मर्जी ले आओ मिट्टी नहीं बना पाओगे, देख लो अगर आपको आपके बच्चे और आने वाले पीढ़ियों के लिए, आज मैं केवल आपको अपनी तरफ से ये हाथ जोड़ के कहती हूँ, रोज ये सोचो कि आज मैंने मिट्टी के लिए क्या किया, धन्यवाद। ये जीवन बचा है हमारा तो निकल गया, ये जीवन बचा है इसको मिट्टी में मत मिलाओ, मिट्टी बचाओ जीवन को मिट्टी में मत मिलाओ। धन्यवाद महोदय, आपने सोचने पर विवश कर दिया कि आज का जो हमारा परिदृश्य है उसमें आपने तो अपनी भूमिका निभाई है,
हम लोगों को क्या करना है, सच में सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए संस्थान आपको धन्यवाद देता है। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे निदेशक महोदय जी को कि एक स्मृति चिन्ह है ये संस्थान की ओर से आपको भेंट करें। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर पूनम पिछल से। धन्यवाद सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मुझे आभार व्यक्त करने के लिए ये मौका दिया गया। और सबसे पहले मैं अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके ही निर्देश से आज का ये बहुत ही उपयोगिता वाला कार्यक्रम हुआ और हम सभी बिल्कुल मतलब ओवरवेल्म है आपके उद्बोधन से मैडम। और हमारे संस्थान के निदेशक का भी मैं संस्थान की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें प्रेरित किया कि इस तरह के कार्यक्रम रखें और आप जैसी हस्ती को बुलाएं ताकि हम लोग सब आपकी इतनी प्रेरणादायक उद्बोधन से अनुग्रहित हो। और सचमुच में आपका इतना मतलब भावनात्मक और सभी तरह से आध्यात्मिक भावनात्मक सभी तरह से जो आपका उद्बोधन था, हमें लगता है कि सभी ने कुछ ना कुछ तो संकल्प जरूर लिया होगा जिससे कि हम अपने प्रकृति से को कुछ कुछ दे पाए, थोड़ा मोड़ा भी कुछ दे पाए इस तरह से। क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल हो गया है, हम बच नहीं सकते प्लास्टिक के उपयोग से या कुछ ना कुछ तो हमें नहीं, करना नहीं, ही पड़ रहा है। बच्चे सकते। लेकिन लेकिन हम ये संकल्प नो कहना होगा, बिल्कुल नो कहने के लिए। रिफ्यूज और रीयूज नहीं, रिफ्यूज का टाइम है बस। हाँ बिल्कुल, रिफ्यूज करने के लिए संकल्प ले, हमें लगता है कि सभी ने लिया होगा। और आपके इस तरह से हमें प्रेरित करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मैडम आपको कि आपने बहुत ही अच्छा मतलब अपने अपनी जो अनुभव है उसको जो साझा किया वो हमें बहुत ही प्रेरणा दिया। मुझे लगता है हमारे संस्थान के सभी लोगों ने भी आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये आई ओपनर वाली बात है। क्योंकि हम लोग जो थोड़े से जागरूक कम हो गए हैं अपने प्रकृति के प्रति, वो बहुत ही जरूरी है कि हमें ध्यान देना है और हर स्टेप हर कदम पे ध्यान देना है इस चीज को। इसके लिए मंदिर जीता भी आपका धन्यवाद देंगे वो कम ही पड़ेगा, फिर भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने संस्थान की ओर से। और मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे डॉक्टर दुपारे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और जितने भी समन्वयक है जैसे राकेश है और हम सभी ने मिलकर डॉक्टर रमेश को मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च 15 साल 20 साल जितना भी समय लगाया, उन्होंने मिट्टी की उर्वरा को जानने समझने में अपना जितना भी समय दिया, अपना मेहनत दी, उसके लिए धन्यवाद। और अभी भी उनका जो एक्सपीरियंस है उससे हम ये मतलब अपना संस्थान को ये फायदा हो सकता है कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मृदा को, तो इसमें उनका बड़ा ही योगदान है और उस योगदान के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे और भी अपेक्षा करते हैं कि हम आगे भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमें अपना मार्गदर्शन देते रहें। और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं वैज्ञानिकगण कर्मचारीगण RSRF सभी का धन्यवाद क्योंकि उनकी उपस्थिति के बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है, तो सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी हमारे फार्मर्स हो या जो भी सम्माननीय जन हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी उनके उपस्थिति के लिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता कि इतने अच्छे लोग हमको अपना बात बोले, क्योंकि जितने बोलते हैं ना कि जैसी संगति वैसी रंगति, तो हमको जितने सज्जन लोग हैं उनसे जितना सुन पाए वो अच्छा है अपनी जिंदगी में, और उस पे उनकी बातों को अमल पर कर पाए, इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों का भी सहयोग मिला है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ में कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन उसके बाद में हमारी जो अतिथि वक्ता है और निदेशक महोदय, हम लोग जाके उनके हाथ से कार्यक्रम से पौधारोपण करेंगे राष्ट्रगान के। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड कलवंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जन गण मन अधिनायक जय हे देखना थोड़ी है वृक्षारोपण के बाद एबीएस सेंटर वो देखेंगे, हाँ एबीएस सेंटर वो जो